कभी ऐसा सोचता हूँ ना कि KTM लेके ना गलती कर दी 390 एंड मैं ना सीधा लेके गया अपनी बाइक, तो इतनी गंदी साउंड उसने निकाली ना, मतलब पूरा सर ना मेरा फट गया, क्योंकि यार मुझे नहीं रहा जा रहा। मैं सारों को देखता हूँ आज सुपर बाइक पे बूम बूम करके चलता, अब तो इवन सबने ले ली ना बाइक, लेकिन चलो क्या करें भाई। तो गाइस एक सरप्राइज देने वाला हूँ आप सब लोगों को, ये चेक करो हमारा न्यू वाइजर आ चुका है, अभी लाइट ऑन करना आगे से। ये रियल फोन गाइस, जो इसका आईब्रोज है ना उसने अपने अंदाज में वापस आ चुकी है। अभी ना हम एक ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ जम्मू से बाहर निकले भाई, थोड़ा ना एडवेंचरस राइड हो एक। स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नई वीडियो में, एंड आज की वीडियो हम आफ्टरनून में शूट कर रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। लास्ट वाला व्लॉग तुम सब लोगों के लिए नहीं आया क्योंकि ना कल तुम्हारा भाई थोड़ा ना डिमोटिवेटेड था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं ना ऐसे सुपर बाइक्स को देख के ना, पता नहीं मेरा दोस्त भी बोलता है तुझे क्या हो गया है। मैंने कल वाला व्लॉग इसलिए नहीं किया ना, मैं थोड़ा नर्वस सा था क्योंकि हमारे पास 200cc की बाइक है भाई, हम चाहते ना इसमें भी अच्छी साउंड निकले, लेकिन ना भाई इसमें अब इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाती। हमने इसमें एग्जॉस्ट भी ट्राई करा, जैसे कि आपने देखा था हमने एक्रोफोबिक का लगाया था जो कि फर्स्ट कॉपी था, लेकिन सच में ना थोड़ा दिल को बुरा लगता है। कभी कभी ऐसा सोचता हूँ ना कि KTM लेके ना गलती कर दी 390, क्योंकि काश मैंने उस टाइम ना बेनेली की तरफ चले गया होता, टू सिलेंडर बाइक होती। लेकिन मेरा फ्रेंड यही बोलता है कि नहीं, जो भी तेरे पास है काफ़ी है। अभी तुम्हें मैं एक सच्चाई बोलूँ तो लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने ना अपना DB किलर निकाल दिया था अपनी बाइक से, एंड मैं ना सीधा लेके गया अपनी बाइक, तो इतनी गंदी साउंड उसने निकाली ना, मतलब पूरा सर ना मेरा फट गया घर आके। मैं कुछ गंदी आवाज़ नहीं कर रही है, सिंगल सिलेंडर में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो घर आके ना भाई सो गया मैं, मतलब इतना सिर में दर्द हो गया मुझे। अभी भी तुम देखो यहाँ पे इसमें DB किलर निकला हुआ है, एंड ये चेक करो तुम, इसमें DB किलर नहीं है। एंड मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ पे रखा हुआ था, ये जो सारा एग्जॉस्ट वगैरह है इसका जो DB किलर है, एंड साथ में ये जो है ना ये दोनों रखे हुए थे, ये ब्लास्ट भी था और DB किलर निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया हुआ था भाई। इतनी ज्यादा सर में दर्द होगी ना इसको लगा के, क्योंकि ना ये एक गंदी सी साउंड निकालता जो ना कानों को चुभती है बिल्कुल भाई। तो बड़ा ऐसा पता नहीं सबने ऐसे मतलब सुपर बाइक वगैरह लेके रख दी हुई ना, तो मतलब हमारे जम्मू में ऐसे ट्रेंड ही आ गया भाई सुपर बाइक्स का। तो हमारे पास इतना बजट नहीं है कि भाई अभी एकदम से सुपर बाइक लें, बट ऐसे एक बाइकर के लेने उसकी आवाज़ अगर बाइक अच्छी करे ना तो वही मैटर करता है भाई, इसलिए लोग हायर CC की बाइक्स लेते हैं ताकि ना उसका एग्जॉस्ट अच्छा हो एंड वो ना अच्छा साउंड परफॉर्म करे। अब हम ऐसा करेंगे भाई, इसमें ना एग्जॉस्ट वापस लगवा रहे हैं ये वाला, तो मैंने जैसे तुम्हें बोला था लास्ट वाले ब्लॉग में, हम वुल्फ का जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट है उसका DB किलर ट्राई करेंगे निकाल के, ठीक है। हम इसमें से जो DB किलर है ना ये निकालने वाले, वैसे थोड़ा सा कट कर देंगे इसकी पाइप को यहाँ से, मुझे ऐसे उम्मीद है। अगर नहीं निकाले अच्छा आवाज़ तो मुझे माफ़ कर देना भाई, ये हमारी तरफ से ना एक एक्सपेरिमेंट था जो कि हमने किया, तुम वीडियो को फॉलो करना। एंड ये वाला जो पाइप है हम इसमें से निकालने वाले हैं, तो इसमें से हटा के चेक करते हैं कि कैसी इसमें से साउंड निकलती है। ओके, ये सामान जो यहाँ से लेके जाना है पूरा ना, इसका कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह सारी चीज़ें वुल्फ में वापस फिट करने वाले हैं। टेंशन ये है कि इतना सामान लेना कैसे, तुम क्या बोल रहे थे, कैसे देखते हैं यार बाइक पे ट्राई करेंगे, अगर हो पाया उस पे तो ले पाएंगे, बाइक पे कैसे ले पाएंगे मेरे को यही समझ नहीं आ रहा था। तो ये सारा जो भी कर रहा हूँ ना भाई एग्जॉस्ट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे नहीं रहा जा रहा, मैं सारों को देखता हूँ आज सुपर बाइक पे बूम बूम करके चलता, अब तो इवन सबने ले ली ना बाइक, तो थोड़ा ना ऐसे बुरा सा लगता है, लेकिन चलो क्या करें भाई। अभी इसलिए ना कल वाला व्लॉग नहीं किया था मैंने, एंड सीरियसली थोड़ा पता नहीं ये चीज़ें तुमसे क्यों बोल रहा हूँ, बोलनी भी नहीं चाहिए थी लेकिन बोल दी भाई, क्योंकि मैं तुम सब लोगों के साथ बहुत प्यार करता हूँ भाई। लोग काफी ज्यादा सोचने के बाद ना हमने अपनी सिस्टर की स्कूटी ले रहे हैं यहाँ से, तो तुम स्कूटी चलाओगे ना आज, स्कूटी चलाने वाला हूं। हाँ, तो ये स्कूटी चलाएगा और सारा सामान जो आगे रहेगा जाओ लेके आओ, तुम एग्जॉस्ट भी डाल दो इसी में। मेरी सिस्टर को ना अभी बाहर जाना था कहीं स्कूटी लेके अपने, लेकिन अब ना मैंने उसके फ्रेंड को कॉल करके बोला कि तुम उसको पिक करने आना क्योंकि मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ उसकी, तो थोड़ा ना बुरा लगता है उसको क्योंकि अभी नई नई स्कूटी चलानी सीखी है उसने, तो भाई बुरा तो लगता है कि भाई मेरी स्कूटी क्यों लेके जा रहा है, तेरे पास तो अपनी बाइक्स है। जल्दी तुम्हारी फरमाइश भी पूरा करने वाले हम, जो तुम बोल रहे हो ना सारे कमेंट करके रेड कर दो वुल्फ को, रेड कर दो तो पूरा हम रेड करने वाले हैं। एक चीज मैं तुमसे बोलूंगा, पता नहीं मैं सारी बातें तुमसे क्यों शेयर करता हूँ, सीरियसली ये चीजें तो पेरेंट्स को समझ आएंगी नहीं, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अब डीवी किलर मैं खोल रहा हूँ, घर वालों को क्या पता डीवी किलर क्या होता है क्या नहीं, इसलिए ना तुम मेरी ऑडियंस हो, तुम समझ पाती हो बेटर, क्योंकि ना तुम्हारे साथ मेरी एक स्टोरी चल रही है, तो मुझे तुमसे सारी बातें शेयर करना अच्छा लगता है। एंड कल व्लॉग नहीं किया था तो भाई थोड़ा ना डिमोटिवेटेड और डिप्रेस था, एंड सीरियसली आज वापस ठीक हो गया हूँ क्योंकि तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या कट मार रहा भाई स्कूटी पे मेरा फ्रेंड, मजा आ गया इसको देख के। तो चलते हैं यहाँ से पिकी भैया के पास, भैया पता नहीं क्या बोलेंगे कि भाई आप कभी एग्जॉस्ट लगवाते हो कभी निकालते हो, पैसा या तो ज्यादा हो गया। ठीक हो, ठीक हो, कसम से। कौन से स्कूल में पढ़ते हो, MC? ओ ठीक हो, थैंक यू भाई यार, थैंक यू। आपने RS करवाई ना मॉडिफाई, अभी वापस इसको रेड कर देंगे, आपका जो थीम है वो वापस ला देंगे। आ जाओगे वीडियो में यार, आप मेरी फैमिली हो, वीडियो में क्यों नहीं आओगे भाई, तुम लोग तो सपोर्ट करते हो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। चलो ठीक है भाई, ऐसे ही इन अपने क्यूट सब्सक्राइबरों के साथ ना मिलके थोड़ा खुश हो जाता हूँ, एनर्जी ना बूस्टअप हो जाती है।
अभी भाई आपको पता है आधे घंटे से ना भाई इसकी फिटिंग कर रहा है कैटलेटिक कन्वर्टर की। चीजें निकालना बहुत आसान होती है लेकिन जब उनको जोड़ना होता ना तो थोड़ा टाइम तो लगता है यार, लगता ही है यार। और दो दो मैकेनिक साथ में, देखो भाई भी एक इस तरफ है एक इस तरफ है। जब भी हम यहाँ आते तो हमारा छोटा क्यूट सब्सक्राइबर मिल जाता है। साइकिल साइकिल के लिए तो मैंने भी लेना था ना, तो वो कह रहा है कि वही वाला साइकिल लेना जो आपके छोटे भाई ने लिया था, तो पक्का डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि मैंने उनको बोल के रखा था मेरे जो भी सब्सक्राइबर यहाँ से साइकिल लेंगे ना तो उनको डिस्काउंट मिलने वाला है। फाइनली कैटलिटिक कन्वर्टर फिट कर दिया भाई ने, अब उसके बाद रहता है हमारा एग्जॉस्ट। तो ये वाला ये जो एग्जॉस्ट है ना इसमें आगे से अब हम कट करने वाले हैं इसको। इस बारे में ये निकलेगा नहीं, निकल तो जाएगा मगर साउंड नहीं निकलेगी इससे। साउंड क्यों नहीं निकलेगी यार, हम तो सोच रहे हैं ना जैसे केटीएम का डीबी किलर निकालते हैं। केटीएम लग चीज है। हाँ। लग चीज है, ये पूरी बेल जाली होती है इसके अंदर, तो जाली नहीं निकाल सकते। जाली निकाल दो बार, जाली निकालो सेंसर खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। हाँ। निकाल तो सकते हो ना जाली बार। हाँ, निकाल दो, मैं रुक गया। सो मेरे कहने पे भाई ने एग्जॉस्ट तो खोल दिया हुआ है जैसे तुम देख पा रहे हो। अब क्या बोल रहे थे भाई तुम, फटी हुई आवाज निकाले? हाँ जी, सबसे बढ़िया भैया है इसमें सुराग मरवा लो। किसमें? कैटलिटिक कन्वर्टर। हाँ, यहाँ पे नीचे। मुझे नहीं चाहिए वो यार, मैं कटर लाया हुआ तो भैया स्टार्ट करो उसी। ये पाइप हमने कट कर दी एग्जॉस्ट से, तो लेट्स सी द रिएक्शन। जब तक हमारा एग्जॉस्ट जो है ना फिट हो जाएगा, हमने डिसाइड आज ही करा हुआ है कि ओल्ड वुल्फ को जो हम वापस ला रहे हैं, जैसे आप सब लोगों ने कमेंट करी थी कि रेड वुल्फ को वापस लाओ। पुराना पुराना उठाएंगे तभी तो नया करेंगे। बाकी का भाई हम रोमी भैया के पास छोड़ते हैं। चलो ये रैप पूरा हट रहा है यहाँ से, मैं थक गया रैप वैप करा के। सीरियसली अब मन भर गया भाई, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे वो ओरिजिनल वापस चाहिए। सो गाइस एक सरप्राइज देने वाला हूँ आप सब लोगों को, ये चेक करो हमारा न्यू वाइजर आ चुका है। एंड ये देखो वुल्फ हमारी वापस आ रही है ओल्ड वाली। आप उतार के ना भाई, अभी ओल्ड वुल्फ वापस आ रही है एकदम से खतरनाक शार्प तरीके से, और तुम बहुत एक्साइटेड होने वाले हो इस चीज के लिए, क्योंकि जो कंपनी की ओरिजिनल चीज होती है ना भाई उसको कभी चैलेंज नहीं करना, ठीक है? खुखार लग रही है ना भाई, देखो तुम अब क्या डिजाइन बनने वाला है हमारी वुल्फ पे, खुश हो जाओगे बहुत। अभी ना तुम्हें कुछ दिखाने वाले हैं, अभी लाइट ऑन करना, आगे से लाइट ऑन कर। सो ये चेक करो भाई क्या डिजाइन बन गया, अब क्या बन गई असली वाली भाई, ये रियल वुल्फ वुल्फ बन गया। इसमें जो इसका आईब्रोज है ना, हाँ, तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, ऊपर से जैसे जैसे खुखार बाहर गरजने वाली है। तो वापस जो है ओल्ड वुल्फ को आपने वापस आया, यहाँ पे देखो कितने सारे बंदे देख रहे हैं कि ये डिजाइन होता है भाई, ये रैपिंग होती है, एक भी कहीं कट का निशान नहीं है, ये ना ब्लेड से कटिंग करी हुई है। ये सारा बंट है जो, और बंट है ना ये एक ही बार में डिजाइन बनता है। हाँ। बार बार इसको कट नहीं किया जाता, तो बार बार कट नहीं किया, कोई एक ही डिजाइन में बनाया, और ना ही कोई मतलब बॉडी पे कहीं निशान है। चेक करो तुम पूरा, हम इसको क्लीन कर रहे हैं यहाँ से, ये जस्ट एक कट में बनाया भैया ने पूरा। रोमी भी कैसे कर लेते हो हाथ से सारा भाई? आंखों का कमाल है, आंखों का कमाल है। तो अभी तुम चेक करो दोनों कॉम्बिनेशन होंगे, और पहले से भी ज्यादा बेटर बनने वाला है। One hour later. जब हम निकलते हैं यहाँ से, एंड अभी ऐसा लग रहा है ना पूरा वुल्फ जंगल में जाने वाली है, क्योंकि ना इतना ज्यादा खतरनाक इसका लुक बन चुका है सामने से। 10K कंप्लीट करा दो यार इनके, यार कितने टेन के करा दो यार इनको, हमेशा बोलते रहते भाई रोमी ROMI रोमी मॉडिफायर मॉडिफायर इनके चैनल का नाम है, 10K करा दो बेचारे को यार, रोज बोलता है भाई। अभी एग्जॉस्ट तुम चेक करो अपना ओरिजिनल जो है भाई, अपनी लाउड जो आवाज है ना वो वापस आ गई है। तो फाइनली गाइस यहाँ से निकलते हैं फुल पावर घर के लिए, एंड वुल्फ ना अपने अंदाज में वापस आ चुकी है। बहुत खुशी हो रही है मेरे को यार, अपने एग्जॉस्ट में चला रहा हूँ ना, इतना स्मूथ चल रही है। अभी हम अपने सब्सक्राइबर्स को ना कल दिखाएंगे बाइक फ्रंट से कैसी लग रही है, क्योंकि अभी ना अंधेरा हो गया भाई लोग। ओह 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 क्या धार रही है भाई अभी ये, और इतना स्मूथ इंजन है, ऐसा लग रहा है भाई नया इंजन डाल दिया वुल्फ में। मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, अभी ना हम एक ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ जम्मू से बाहर निकले भाई, थोड़ा ना एडवेंचरस राइड हो एक, क्योंकि अभी तक मैं ट्रिप पे नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी ऑडियंस जो थी ना रिटेन नहीं हो रही। तो अब ये सोच रहा हूँ ना कि मेरे पास एक ऑडियंस है जो मुझसे प्यार करती है, अगर मैं ट्रिप पे भी जाऊंगा ना तो मेरे ट्रिप वाले व्लॉग भी चलने वाले हैं, क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम प्यार दिखाओगे भाई उन व्लॉग्स पे। तो कमेंट करके बताओ तुम इंटरेस्टेड हो कि मैं ट्रिप पे निकलूं, क्योंकि यहाँ जम्मू में ना मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास है जो दिखाने लायक है भाई। तुम्हारे कमेंट से डिसाइड कर पाऊंगा कि तुम क्या बोलते हो ट्रिप पे जाना चाहिए हमें, क्योंकि ना थोड़ा एडवेंचरस राइड होनी चाहिए। आज मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, राइड सेफ राइड हार्ड, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय। अभी सिस्टर ने डस्टबिन लेके आई हुई है, कहाँ गई थी? ये जिम डस्टबिन लेके जिम करने गई हुई थी। इसका भी शर्म आती है भाई कैमरे के सामने। चल। कुछ नहीं होगा यार, वुल्फ वापस आ गई है, ओल्ड वुल्फ इज बैक। ये देख लग रही है ना अब चीज़।